मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जब से बीजेपी की चौथी सूची जारी हुई है तब से बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला तेज हो गया है। एक तरह से बीजेपी में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। आज बीजेपी को विंध्य क्षेत्र से एक बड़ा झटका लगा है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने भाजपा और सदन में विधायक पद से इस्तीफा देने के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेज दिया है। माना जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वो पिछले दिनों दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। नारायण त्रिपाठी ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि वो आगे कहां जाएंगे या क्या करेंगे, इस पर 16 अक्टूबर को फैसला लेंगे। बता दें कि नारायण त्रिपाठी पार्टी से इस्तीफा देने वाले दूसरे विधायक हैं। इससे पहले कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही कई और पूर्व विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं। चुनाव से काफी पहले बीजेपी के स्तंभ रहे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उधर बुंदेलखंड में भी लगातार बीजेपी में इस्तीफे का दौर चल रहा है। आज सागर में नरियाली विधानसभा सीट से टिकट ना मिलने से नाराज हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद तोमर ने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया। वो विधायक प्रदीप लारिया को चौथी बार मौका दिए जाने से नाराज थे। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा, भाजपा द्वारा मेरी निरंतर उपेक्षा करने के कारण आज मैं भाजपा द्वारा दिए गए सभी दायित्व एवं प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। उनके नरियावली विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव ने भी पार्टी छोड़ दी थी। वो सागर जिले की बंडा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। उनके भी चुनाव लड़ने की खबर है। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। सागर में ही इससे पहले बंडा से रणजोर सिंह बुंदेला बीजेपी छोड़ बीएसपी में शामिल हो गए, जो बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सुर्खी विधानसभा से बीजेपी नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नीरज शर्मा भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए और अब वो कांग्रेस के टिकट पर यहां से प्रबल दावेदार हैं। वहीं बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बगावत छतरपुर जिले में देखने को मिली। नामों की घोषणा के बाद पूरे जिले भर में बीजेपी के आधे दर्जन से भी ज्यादा नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक छतरपुर जिले में 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें छतरपुर, महाराजपुर, राजनगर और बड़ा मरेरा विधानसभा सीट है जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन ये घोषणा अब बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बड़ा मलहरा सीट से बीजेपी के स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे जिला पंचायत सदस्य करण सिंह लोधी ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि लोधी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं राजनगर विधानसभा सीट से बात करें तो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के करीबी माने जाने वाले अरविंद पटेरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। अरविंद पटेरिया पिछला विधानसभा चुनाव इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह नाथीराजा से 700 वोटों से हार गए थे। पटेरिया को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है, लेकिन ये मौका बीजेपी के ही पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल को नागवार गुजरा, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बीएसपी ने पटेल को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। बसपा ने बीजेपी छोड़कर आए सुभाष शर्मा डोली को भी चित्रकूट से अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा को महाकौशल में भी बड़ा झटका लगा है। यहाँ मौजूदा विधायक संदीप जायसवाल को कटनी मुनावरा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। संदीप जायसवाल के विरोध में मेयर कैंडिडेट ज्योति विनय दीक्षित के बाद नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध किया है। कटनी के प्रभावशाली नेता पार्षद और कटनी नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले कटनी नगर निगम की बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रही ज्योति विनय दीक्षित ने भी अपने साथियों के साथ पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। इसके अलावा कई और नेता हैं जो पार्टी छोड़ने की फिराक में घूम रहे हैं। इनमें सागर जिले के मुकेश जैन डाना का नाम है, जो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है।
उनके सागर विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उनके अलावा सागर जिले की नरियावली विधानसभा सीट से विधायक रहे पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी भी कमलनाथ से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं बात बालाघाट जिले की करें तो लांजी सीट पर पूर्व विधायक रमेश भटेरे के समर्थकों ने भी हजारों की संख्या में रैली निकालकर घोषित प्रत्याशी की उम्मीदवारी का विरोध किया। भाजपा के हजारों कार्यकर्ता एकजुट होकर उन्हें पार्टी के खिलाफ बागी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हो रही बगावत के चलते पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं बीजेपी इस पूरे विरोध पर फिलहाल चुप है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा हमारे Facebook पेज और Instagram पेज को फॉलो करें। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब बायोलॉजी लैब केमिस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब एंड book library beautiful 13 acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture Vatsalya senior secondary school is one that any student would love to explore I love my school and determination sports activities and dance room Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community Vatsalya is where education meets excellence.